प्रयागराज में इस समय माफिया अतीक अहमद की बहन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अतीक की बहन ने कहा है कि पूछताछ के नाम पर अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाकर एनकाउंटर किया जा सकता है, जेल ट्रांसफर के बहाने भी हो सकता है अतीक का एनकाउंटर, ये आरोप लगाया है। साथ ही अतीक की बहन ने कहा है कि अखिलेश यादव ने योगी को उकसाया, जिसके बाद योगी ने बयान दिया, एसटीएफ एक्टिव हुई और कार्रवाई कर रही है। योगी के बयान के बाद एसटीएफ को पूरा मौका मिल गया है एनकाउंटर करने का। 3 बजे रात में हम तीनों को उठा लिया था इलाहाबाद पुलिस ने पूछताछ के लिए। 3-4 दिन हम लोगों को वहाँ रखा गया। उस समय से हमारा स्वास्थ्य बहुत ख़राब चल रहा है, बोलने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, जैसा कि आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा। अब उसी के अंदर हमको बहुत टॉर्चर किया गया और ये कहा गया कि एसटीएफ की अधिकारी अमिताभ यश जी और पुलिस प्रशासन, हमारे बड़े भाई अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद और 3-4 दफ़ा विधायक हो चुके हैं, और हमारा छोटा भाई अशरफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में, उन दोनों को चर्चित जो हत्याकांड इलाहाबाद में हुआ है, चर्चित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफ़र के बहाने पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता। जब ये हत्याकांड हुआ था उस समय हाउस में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था इस बयान के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया। तो ये माफिया अतीक अहमद की बहन थी जो शक जता रही हैं कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, परिवार में खौफ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।